सम्मोक सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों की सुंदर झांकियों को अपने मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए। ऐसे ही एक बार जब छठी पातशाही सतपुरुष श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज जी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए गए तो उस समय श्री गुरु महाराज जी बगीचे में ही विराजमान थे। श्री हरगोविंद साहिब जी महाराज जी चोगा पहनते थे। अब ये जो चोगा होता है वो चौड़े घेरे वाला पांव तक लटकता हुआ चोला होता है, तो श्री हरगोविंद साहिब जी वो चोला पहनते थे। जब वे बगीचे से गुजर रहे थे तो उस समय गुलाब के पौधे की शाखा उनके चोले में अटक गई, जिससे वह डाली पौधे से अलग होकर गिर पड़ी। श्री हरगोविंद साहिब जी श्री गुरु महाराज जी के समीप पहुंचे, दंडवत वंदना की, श्री दर्शन किए। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी उस बाग की सैर को पधारे। भ्रमण करते करते उसी स्थान पर पहुंचे जहाँ वह डाली जिसमें गुलाब के फूल लगे हुए थे वह जमीन पर गिरी पड़ी थी। उस डाली को देखकर श्री गुरु महाराज जी ने सेवकों से पूछा कि यह टहनी किसने तोड़ी। सेवकों ने हाथ जोड़कर विनय की कि दीन बंधु, साहेबजादे के चोगे का किनारा अटक जाने से ये शाखा टूटी है। तो उसी समय श्री गुरु महाराज जी ने श्री हरगोविंद साहिब जी को संबोधित करते हुए फरमाया, चलते समय अपने आंचलों को समेट कर रखना चाहिए। यद्यपि श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन सहज रूप में फरमाए थे, परंतु इतिहास साक्षी है कि श्री हरगोविंद साहिब जी महाराज जी ने आजीवन इन वचनों का पालन किया। वे जब भी भ्रमण के लिए पधारते तो चोगे के किनारों को समेट कर ही चला करते थे। इसे कहते हैं, जे साहेब को बावे नहीं सो बाट न बूझी रे, साईं सो सन्मुख रहो इस मन सो जूझी रे। सदगुरु द्वारा फरमाए गए सहज वचनों पर भी उन्होंने दृढ़ता से आचरण किया तो उनमें कितनी आत्मिक शक्ति का संचार हुआ, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। संत सहजो भाई जी कथन करते हैं, गुण सब गुरु के बचने माही, सहजो शीश जो बिसरे नाही। सेवक यदि श्री सदगुरुदेव महाराज जी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर आचरण करें तो निश्चित रूप से वह उनकी प्रसन्नता का पात्र बन सकता है, जिससे उसका जीवन भी सुखी हो जाए और प्रभु के दाम में उसका मुख भी उज्जवल हो। संत दादू दयाल जी अपनी वाणी में कथन करते हैं कि जे साहेब को बावे नहीं सो बाट न बूझी रे, साईं सो सन्मुख रहो इस मन सो जूझी रे, कि भक्ति मार्ग में सेवक सफलता को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह सदगुरु के वचनों को सत्य सत्य कर माने और अपने मन की समस्त कामनाओं और विचारों को पूर्णतः त्याग कर श्री आज्ञा को शिरोधार्य करे। ऐसा करने से उस सेवक के मन की सभी कामनाएं निर्बल और आत्मा सबल होने लगती हैं, जिसके फल स्वरूप वह समस्त विकारों से बचा रहता है और सांसारिक दुख उसे नहीं व्यापते। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी का फरमान भी है कि गुरु के सेवक को दुख न व्यापे। इसके विपरीत जो कोई सद्गुरु के वचनों को न मानकर अपने मन का कहना मानता है उसकी कामनाएं प्रबल हो जाती हैं और साथ साथ उसकी आत्मा निर्बल बनती है, जिसके कारण वह आत्मिक उन्नति नहीं कर पाता और भक्ति मार्ग से भटक जाता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो मनुष्य अपने मन की कामनाओं और विचारों की तृप्ति में संलग्न रहते हैं वे भक्ति के भेद को नहीं जान सकते। यह बात तो साधारण बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी समझ सकता है कि शत्रु की सम्मति से चलने पर उस शत्रु को कभी जीता नहीं जा सकता। सब संतों का ये कथन भी है कि मन रूपी वैरी पर विजय पाओ। जिस शत्रु को पराजित करना हो सिद्धांत तो उसे लोहा लेना ही पड़ता है, उसे सब तरह से निर्बल करने का प्रयत्न किया जाता है। इसीलिए सेवक के लिए भी आवश्यक है कि वह अपने मन रूपी शत्रु को जीतने के लिए सद्गुरुदेव महाराज जी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर मन मति को त्याग कर गुरु मति को धारण करे। तब उनकी कृपा से वह अपने मन को जीतकर भक्ति के अनमोल रत्न की प्राप्ति कर सकेगा। सतपुरुष श्री गुरु नानक देव महाराज जी फरमान करते हैं कि सद्गुरु की सेवा सभी भ्रम और संशय त्याग कर शंका रहित होकर करनी चाहिए। आगे सेवा का स्वरूप बतलाते हैं कि सदगुरु जो कार्य करने को कहें सेवक को वही करना चाहिए। भाव ये है कि सदगुरु की जैसी आज्ञा हो सेवक को वही कार्यवाही करनी चाहिए।
इस प्रकार सेवा द्वारा सेवा करने से जब सद्गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो सेवक का मन उनके द्वारा प्रदान किए हुए नाम के स्मरण में लगता है और यही भक्ति का सच्चा और सार लाभ है जो गुरुमुख ही प्राप्त करता है। मन के कथनानुसार चलने वाले जीव तो अज्ञान के अंधकार और भ्रांतियों में ही भटकते रहते हैं। उनकी सब कार्यवाही मिथ्या होती है, सदा झूठ की ही कमाई करते हैं, किंतु सत्य स्वरूप परमात्मा के द्वार पर तो सदा सेवा नाम और भक्ति की सच्ची कमाई ही स्वीकृत होती है। इसीलिए सत्य स्वरूप परमात्मा के धाम में सत्य प्रति जीवों को ही बुलाया जाता है। प्रेमियों, भक्ति मार्ग अति सूक्ष्म मार्ग है जिसमें शत्रु सेवक के भक्ति धन को लूटने के लिए तैयार खड़ा है। यदि सेवक के मन में अहंकार रूपी शत्रु ने डेरा डाल दिया तो ये समझिए कि उसकी भक्ति खतरे में पड़ गई। इसीलिए सेवक को सावधान होकर इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि मन में अहंकार रूपी शत्रु आने ही न पाए। गुरुमुखों के भक्ति धन की रक्षा सदगुरु ही कर सकते हैं। इसीलिए सेवक को पल पल श्री गुरु महाराज जी का ही ओट आसरा लेना चाहिए। छठी पातशाही श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के समय में भाई गुरुदास जी गुरु दरबार के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। उन्होंने अपनी कई वाणियां भी रची हैं। एक दिन श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के श्री चरणों में भाई गुरुदास जी और साथ में भाई भक्तू जी, भाई विधिचंद, भाई जेठा जी और भी सारे सेवक बैठे हुए थे। तो उस समय सेवक के लक्षणों पर चर्चा हो रही थी। तब भाई गुरुदास जी कहने लगे कि वास्तव में पूर्ण सेवक तो वही है जो गुरु की कसौटी का सहारा लेकर मन को कभी डोलने नहीं देता। अपने इस कथन की पुष्टि में उन्होंने अपनी वाणी की एक पंक्ति भी पढ़ी, जय गुरु सांगी वर्तदा सिखु सिद्धकु नहारे। यह सुनकर भाई विधिचंद ने कहा कि भाई गुरुदास जी, जैसा आपने कहा है वास्तव में सेवक को वैसा ही होना चाहिए, परंतु माया बड़ी प्रबल है, यह तो बड़े बड़ों को भरमा देती है। इसलिए मेरे विचार में तो सेवक को गुरु की कृपा और सहायता की पल पल आवश्यकता है। अन्य सेवकों ने भी ऐसे ही विचार प्रकट किए। तब भाई गुरुदास जी कहने लगे, यदि सेवक पूर्ण है तो वह मन को सदा दृढ़ रखता है, उसे कभी डोलने नहीं देता, इसलिए माया उस पर कभी प्रभाव नहीं डाल सकती। यह वार्तालाप सुनकर श्री गुरु महाराज जी ने मन में विचार किया कि जहाँ अन्य सेवक मन माया से पार पाने के लिए गुरु के सहारे और उनकी कृपा को महत्व दे रहे हैं और उसे आवश्यक समझते हैं, वहीं भाई गुरुदास अपने ऊपर भरोसा रख रहे हैं। इसलिए भाई गुरुदास के मन में यह जो अहंकार का अंकुर फूट रहा है, जो सभी बुराइयों की जड़ है, इसको शीघ्रातिशीघ्र नष्ट करना चाहिए। एक दिन श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कई सेवक उपस्थित थे। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि यदि कहीं से अच्छे घोड़े मिल सके तो हम अपने लिए और योद्धाओं के लिए कुछ घोड़े खरीदना चाहते हैं। तब एक सेवक ने विनती की कि सच्चे पातशाह, काबुल में तो बहुत ही अच्छे घोड़े मिलते हैं, आप जी किसी पारखू को बेचकर वहां से अच्छे घोड़े मंगवा ले। तब श्री गुरु महाराज जी ने भाई गुरुदास जी की ओर दृष्टि डालते हुए फरमाया कि आपसे सयाना घोड़ों का पारखू और कौन हो सकता है, आप काबुल चले जाइए और अच्छे घोड़े खरीद कर ले आइए। श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमाकर कुछ अन्य सेवकों को भी भाई गुरुदास जी के साथ जाने की आज्ञा फरमाई। घोड़ों का मूल्य चुकाने के लिए मोहरे बोरियों में भरकर खच्चरों पर लाद कर दे दी गई और भाई गुरुदास जी अन्य योद्धा सेवकों के साथ काबुल की ओर चल दिए। काबुल पहुंचे, नगर के बाहर डेरा डाल दिया और नगर में समाचार भिजवा दिया कि श्री गुरु महाराज जी के लिए घोड़े खरीदने हैं। व्यापारी लोग अच्छे अच्छे घोड़े लेकर पहुंच गए। भाई गुरुदास जी ने उनमें से घोड़े पसंद किए, मूल्य तय किया, फिर मोहरे लेने के लिए तंबू के अंदर चले गए। इधर श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौत से कुछ ऐसी रचना रचाई कि भाई गुरुदास जी ने जब मोहरे निकालने के लिए एक बोरी का मुंह खोला तो जैसे ही उसमें हाथ डाला तब उन्हें उसमें मोहरी की जगह पर टिकरियां दिखाई दी। एक एक करके सब बोरियों का मुंह खोला, सब में यही हाल था, मन तो मन ही है, अब उसका काम ही जीव को धोखा देना है और पथ भ्रष्ट करना है। भाई गुरुदास जी ने अपने मन में तुरंत ही संकल्प उठाया कि श्री गुरु महाराज जी ने मोहरों की जगह पर मिट्टी की ठिकरियां देकर मेरे साथ छल किया है। मन में सोचने लगे कि अब कौन सा मुंह लेकर व्यापारियों के सामने जाऊं। जब कुछ समझ में न आया तो पीछे की ओर से तंबू को फाड़कर निकलकर भाग गए और छिपते छिपाते काशी जा पहुंचे। उधर काबुल में जब भाई गुरुदास जी बहुत देर तक खेमे से बाहर नहीं आए तो उनके साथ आए हुए अन्य सेवक अंदर गए। क्या देखते हैं कि भाई गुरुदास जी वहां नहीं थे, बोरियों के मुंह खुले हुए हैं, मोहरे चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं और तंबू के पीछे का हिस्सा फटा हुआ है। यह सब देखकर वे बड़े हैरान हुए, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था।
कि ये सब क्या हो गया। उन्होंने इधर उधर भाई गुरदास जी की काफ़ी खोज की, परंतु उनका कहीं कुछ पता न चला। आखिर में उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके व्यापारियों को मूल्य चुकाया और घोड़े लेकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुए। भाई गुरदास जी के अचानक कहीं चले जाने का संपूर्ण वृतांत निवेदन कर दिया। यह सुनकर भाई विधिचंद, भाई जेठा जी और अन्य सेवक बड़े हैरान हो गए, परंतु अंतर्यामी श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि भाई गुरदास जी, जिनको अपने ऊपर बड़ा भरोसा था, कसौटी सहन नहीं कर सके और विश्वास हार कर भाग गए। इधर भाई गुरदास जी को सत्संग की रुचि तो थी ही और विद्वान भी थे, इसीलिए काशी पहुंचकर सत्संग का कार्य शुरू कर दिया। उनके सत्संग के प्रभाव से उनके बहुत सारे सेवक बन गए, यहाँ तक कि काशी का राजा भी उनके सत्संग से प्रभावित होकर उनका श्रद्धालु बन गया। अनेकों राज दरबारी भी उनके सेवक बन गए। इस प्रकार भाई गुरदास जी का राज दरबार में बड़ा सम्मान होने लगा। कुछ दिन बाद भाई गुरदास जी के काशी पहुँचने का समाचार जब गुरु दरबार में पहुँचा, तो श्री गुरु महाराज जी ने काशी नरेश के पास एक सेवक द्वारा संदेशा भिजवाया कि आपके नगर में हमारा एक चोर है, उसे बंदी बनाकर हमारे पास भेज दी। श्री गुरु महाराज जी का आज्ञा पत्र पहुंचने पर राजा ने उस व्यक्ति की खोज शुरू करवा दी। जब भाई गुरदास जी को श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के विषय में पता चला, तो हृदय में गुरु भक्ति के विचारों का सागर ही उमड़ पड़ा। वे स्वयं राजा के पास आ गए और कहने लगे कि राजन, श्री गुरु महाराज जी का चोर मैं ही हूँ, आप जल्दी से मुझे बंदी बनाकर गुरु दरबार में उपस्थित करें। राजा ने निवेदन किया कि आप मेरे पूजनीय हैं, मैं आपको बंदी कैसे बना सकता हूँ। भाई गुरदास जी कहने लगे कि आप तनिक भी सोच विचार न करें और शीघ्र अतिशीघ्र मुझे बंदी बनाकर गुरु दरबार में प्रस्तुत करें। भक्ति बीज बिन से नहीं आइए पड़े जो चोल, कंचन जो विष्टा पड़े घटे नाता को मोल। यदि सोना गंदगी में पड़ा हो तो सोने का मूल्य कम नहीं होता। उसी प्रकार यदि सच्चाई और निष्काम भावना से कुछ पलों के लिए श्री गुरु दरबार की सेवा की हो, तो जीव मन माया के धोखे में आ जाने पर भी सदगुरु की अनुकंपा से इनके पंजे से मुक्त हो ही जाता है। जैसे बादल कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश को चाहे रोक लें, परंतु यह स्थिति सदैव नहीं बनी रह सकती। उसी प्रकार सच्चे सेवक को मन माया थोड़े समय के लिए चाहे भरमा क्यों न ले, परंतु सेवक के हृदय में यदि सदगुरु के प्रति सच्ची लगन है, सच्ची प्रीत है, तो मन माया उसे अधिक समय तक नहीं भरमा सकती। इधर भाई गुरदास जी बंदी बनकर गुरु दरबार में उपस्थित हुए। उन्हें देखकर श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए और फरमाया कि भाई गुरदास जी, अपनी रचना की उस पंक्ति को याद करो, जय गुरु सांगी वर्तदा सिक्कु सिदक नहारी। भाई गुरदास जी ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से विनती की, जय गुरु बरमाए सांगू करी किया सिख विचारा। यदि गुरु ही स्वांग करके यानी अपनी माया द्वारा बरमाए, तो बेचारा शिष्य क्या कर सकता है। यह कहकर भाई गुरदास जी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गिर पड़े, रो रो कर क्षमा मांगी। श्री गुरु महाराज जी भाई गुरदास जी की इस प्रकार की निरहंकारिता पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और साथ में फरमाने लगे, भाई गुरदास जी, आप हमें बहुत प्यारे हैं। गुरुमुखों, भक्ति मार्ग पर चलते हुए सेवक को पल पल सदगुरु की दया, उनके सहारे और मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि मन जो जीव का शत्रु है, उसे हर पल भक्ति मार्ग से भ्रष्ट करने का यत्न करता ही रहता है। इसीलिए सेवक को चाहिए कि हर समय सदगुरु की आज्ञा और उनके वचनों को मुख्य रखें और उसी के अनुसार जीवन की प्रत्येक कार्रवाई करें, मन के विचारों को हस्तक्षेप न करने दें। जो सेवक ऐसा जीवन बना लेते हैं, अर्थात सदगुरु की आज्ञा के सांचे में अपने जीवन को डालते हैं, सदगुरु स्वयं उनके उत्तरदायी बनते हैं। ऐसे गुरुमुख जनी श्री गुरु महाराज जी की कृपा से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं।